हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज फैक्ट्री यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि जनरल इलेक्शन की वजह से बीसीसीआई ने जो है वो आईपीएल के पहले दो हफ्तों के शेड्यूल का अनाउंस किया था, लेकिन फाइनली यहां पर पूरा शेड्यूल अब आ चुका है। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं आईपीएल 2019 का पूरे शेड्यूल के बारे में, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहना। और वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि क्रिकेट से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी जरूर दबा लें। दोस्तों, इस वीडियो में हम हर टीम का आपको सेपरेट तरीके से, यानी हर टीम का अलग अलग शेड्यूल दिखाने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं पिछले साल की विजेता रही टीम चेन्नई सुपर किंग्स से। दोस्तों, सीएसके की टीम अपना पहला मुकाबला जो है वो आरसीबी के साथ खेलेगी, जैसा आप लोग सब जानते ही हैं, और अपना आखिरी मुकाबला जो है वो किंग्स इलेवन पंजाब की टीम के साथ खेलने वाली है। दोस्तों, मैं आपको ये पहला और आखिरी मुकाबला इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि अगर मैं हर टीम का डेट बाई डेट दिखाऊंगा तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, जो आपको बहुत ज़्यादा अलग लगेगा और आप इस वीडियो को देखने के बाद बोर हो जाएंगे। तो दोस्तों, पहला और लास्ट का मुकाबला मैं आपको इस वीडियो में मेंशन कराऊंगा। बाकी आपके स्क्रीन पे ये पूरा शेड्यूल दिख ही रहा है, तो आप एक काम कर सकते हैं, इस वीडियो को पॉज करने के बाद पूरा शेड्यूल प्रॉपर तरीके से देख सकते हैं, जिससे आपको अच्छे से पूरे शेड्यूल का पता लग जाएगा। तो दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं मुंबई इंडियंस के बारे में। तो मुंबई इंडियंस की टीम अपना पहला मुकाबला जो है वो 24 मार्च को दिल्ली कैपिटल्स के साथ खेलने वाली है। वहीं पर अपना आखिरी मुकाबला जो है वो 5 मई को कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ खेलने वाली है। दोस्तों, अब बात करते हैं हम आरसीबी की टीम के बारे में। तो दोस्तों, आरसीबी की टीम अपना पहला मुकाबला जो है वो चेन्नई सुपर किंग्स के साथ खेलने वाली है। वहीं पर अपना आखिरी मुकाबला जो है वो सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 4 मई को खेलने वाली है। तो अब बात करते हैं दोस्तों राजस्थान रॉयल्स के बारे में। तो राजस्थान रॉयल्स की टीम जयपुर में अपना पहला मुकाबला 25 मार्च को किंग्स इलेवन पंजाब के साथ खेलने वाली है, और अपना आखिरी मुकाबला जो है वो 4 मई को दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ खेलने वाली है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं यहाँ पर हम सनराइजर्स हैदराबाद की। तो सनराइजर्स हैदराबाद की टीम अपना पहला मुकाबला जो है वो केकेआर के साथ 24 मार्च को खेलने वाली है, और वहीं पर अपना आखिरी मुकाबला जो है वो आरसीबी की टीम के साथ 4 मई को खेलेगी। अब बात करते हैं दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स की। तो दिल्ली कैपिटल्स का नाम बदल चुका है, जो कि दिल्ली डेयरडेविल्स हुआ करता था, अब उसका नाम दिल्ली कैपिटल्स है, जैसा कि आप लोग सब जानते ही हैं। तो दोस्तों, दिल्ली कैपिटल्स की टीम अपना पहला मुकाबला जो है वो मुंबई इंडियंस के खिलाफ 24 मार्च को खेलने वाली है, और वहीं पर अपना आखिरी मुकाबला जो है वो राजस्थान रॉयल्स के साथ 4 मई को खेलने वाली है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं हम फाइनली केकेआर के बारे में। तो केकेआर की टीम अपना पहला मुकाबला जो है वो सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ संडे के दिन खेलने वाली है। तो यहीं पर अपना आखिरी मुकाबला जो है वो भी संडे को एमआई के खिलाफ, यानी मुंबई इंडियंस के खिलाफ 5 मई को खेलने वाली है। तो दोस्तों, ये था पूरे 56 मैचों का शेड्यूल जो कि आपने अभी अपने स्क्रीन पे देखा। अगर आपको अभी भी लगता है कि कोई आपको कंफ्यूजन है, आप हर मैच का शेड्यूल डेट बाय डेट और वेन्यू वगैरह कहाँ खेला जाएगा ये सब देखना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस पर क्लिक करके आप पूरा देख सकते हैं पूरा शेड्यूल हर मैच का। तो दोस्तों, पूरे 56 मैचों का आपको शेड्यूल मिल जाएगा। लेकिन आपको एक जानकारी और दे दें कि अभी भी बीसीसीआई ने प्लेऑफ के मैचों का जो है वो तारीख नहीं बताई है, वो शेड्यूल अभी नहीं अनाउंस किया है, लेकिन यहाँ पर फाइनल मैच की जो है वो डेट यहाँ पर आ चुकी है। तो फाइनल मैच जो है वो 12 मई को चेन्नई के एम ए चंद्रम स्टेडियम में खेला जाएगा, यानी चेन्नई के होम ग्राउंड पर खेला जाएगा।